आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज बंधन बैंक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप सभी को अभी तक न्यूज़ आ चुकी होगी और पता चल गई होगी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं एक अलर्ट दे देता हूं कि बंधन बैंक में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और सीईओ एमडी सीईओ की सैलरी को फ्रीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ बैंक अपनी नई ब्रांचेस को विदाउट आरबीआई की परमिशन के नहीं खोल सकता। अब नई ब्रांचेस नहीं खोल सकती बंधन बैंक की, और साथ ही जो सीईओ और एमडी हैं उनकी जो सैलरी है वो जब तक की फ्रीज रहेंगी जब तक कि कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट आरबीआई का नहीं आता। और ये एक बड़ी खबर है बंधन बैंक के लिए। तो क्या यस बैंक, इन्फीबीम, डीएचएफएल, इसके बाद अब बंधन बैंक का नंबर आएगा गिरावट का? देखिए कहाँ तक गिरेगा नोबडी नोज, लेकिन ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। और जब नेगेटिव न्यूज़ इस तरह के हाईली नेगेटिव जिस समय पूरा एटमॉस्फेयर चल रहा होता है उस वक्त रेज होती है, तो हर कोई निवेशक डरा होता है, हर किसी को लगता है कि इसमें भी कुछ बड़ी बिग इश्यूज़ हैं। लेकिन देखिए मेन थिंग क्या है कि जब बंधन बैंक को बेसिकली जो लाइसेंस मिला था तो उस लाइसेंस की कंडीशन थी, एक शर्त थी आरबीआई के थ्रू कि भाई जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं, जो कि बंधन बैंक की दूसरी कंपनी है जिसके पास लगभग 82% का स्टेक है उस वक्त अगर 2014 की बात करते हैं जब IDFC के साथ इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला था, उस वक्त जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी थी उसके पास लगभग 89% का स्टेक था। तो आरबीआई ने शर्त रखी थी कि अगले 3 सालों में आपको जो NOFHC जो आपकी कंपनी है उनमें जो शेयर होल्डिंग है उनकी, जो वो 40% से भी नीचे लानी होगी। और इस शर्त पर ये लाइसेंस इशू हुआ था जिसकी जो डेडलाइन थी वो 22 अगस्त थी, जो कि ऑलरेडी पास ऑन हो गई है, निकल चुकी है। और इसीलिए इस वक्त अगर हम बात करते हैं आरबीआई की या इंडियन गवर्नमेंट की तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और स्पेशली आरबीआई इस वक्त काफ़ी सख्त है जब से कि जो एनपीएस के इश्यू जनरेट हुए हैं, जो पीएनबी के बड़ा क्राइसिस हुआ 12,500 करोड़ का घोटाला, उसको लेके अभी किसी भी तरह की कोताही को नहीं बरतना चाहते। और यही कारण है, आपने पीछे भी देखा जो यस बैंक का क्या हाल हुआ उसका भी रीज़न यही था कि आरबीआई का कहना था कि भाई टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा राणा कपूर का, और साथ ही साथ उनका जो स्टेक है उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। बट देखिए ये तो मार्केट है, क्या होने वाला कोई नहीं जानता। जबकि फंडामेंटल्स ग्राउंड पर बात करेंगे तो यस बैंक इज द मोस्ट रिलायबल, और अगर बात करें इसके रिजल्ट्स की नंबर्स की तो फैंटेस्टिक नंबर बैलेंस शीट में दिखाई दिए। बट एक्चुअल में क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, ये तो या तो बैंक जानता है या फिर ऑडिट कमेटी जानती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और अभी शेयर होल्डिंग 82% हो पाई है 89% से। ठीक है, ये हमने आपको बैंकिंग लाइसेंस के बारे में बताया। अब क्या है, आरबीआई ने कह दिया कि जब तक कि प्रायर परमिशन नहीं आएगी आरबीआई की तो आप नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते। और साथ ही साथ सीईओ और एमडी की सैलरी भी तभी तक रुकी रहेगी जब तक कोई नया ऑर्डर पास आउट नहीं होता। बंधन बैंक बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी जिसने कि 2001 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। कोलकाता बेस्ड कंपनी है, बंधन एक जगह है वहाँ की। और उसके बाद ये लोग अपना काफ़ी इनका बिजनेस बढ़ता रहा। 2014 में इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया था। अभी तक अगर बंधन बैंक की बात करते हो लगभग 937 ब्रांचेज हैं टोटल पैन इंडिया लेवल पर। 2764 इनके डोर स्टेप सर्विस सेंटर्स हैं और लगभग 476 ATM हैं। तो ये बंधन बैंक का आपको मैंने बताया कि अभी क्या है इनका। इसका IPO भी लॉन्च हुआ था और अभी ये लिस्टेड कंपनी है, तो हम इसके टेक्निकली बताएंगे कि अब आपको टेक्निकली बंधन बैंक में क्या करना है। देखिए रिस्क और रिवॉर्ड ये मार्केट का हिस्सा है, लेकिन अगर हमें छोटा नुकसान उठाना है तो हमें सही जगह पर अपने स्टॉप लॉसेज मेंटेन करना चाहिए। और एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि फिर अगर आपने अपना प्रॉफिट या लॉसेस को बुक नहीं किया तो फिर आपको बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो बंधन बैंक का मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ कि आपको कहाँ पर एक
कहना चाहिए कि एग्जिट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि वापस आपको लोअर लेवल मिलेंगे दोबारा आप एंट्री पोजीशन को बनाइएगा। ठीक है, सो लेट सी, बात करेंगे हम लोग स्टॉप लॉस की। तो मैं सिंपल आपको बताऊंगा 531 यानी 530 रुपीज़, अभी 565 पे चल रहा है। फ्राइडे का लो, फ्राइडे को 28 सितंबर का जो लो था वो 531 का था, तो मैं आपसे कहूँगा 530 के आप लगाइए। 530 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहिए। आप रात में आफ्टर आवर का समय होता है, आफ्टर आवर के समय में आप इसकी बिड लगा सकते हैं सेलिंग की। ठीक है, और उसमें सेलिंग की बिड जो भी आपका ट्रिगर प्राइस है, अगर आपका 530 के नीचे जाता है देन आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाए सेलिंग की। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बाकी आपका डिसीजन रहेगा। ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती कह रहा हूँ नहीं नहीं आपको बेचना है। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट यू शुड, या आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो यू कैन। ठीक है, 530 का एक एग्जिट स्टॉप लॉस बना सकते हैं आप, और अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो फिर आपको स्टॉक 500 के नीचे भी मिलेगा, और हो सकता है आपको 450-470 की रेंज में भी ये स्टॉक आपको दिखाई दे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। क्योंकि न्यूज़ कोई छोटी नहीं है, MD CEO की सैलरी को फ्रीज करना इज़ नॉट ए स्मॉल इशू, नॉट इट इज़ अ बिग इशू, और आपको इससे पता चल जाएगा कि जो स्ट्रिक्टनेस है RBI की वो कितनी ज़बरदस्त है। और अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग में जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कहते हैं कि भाई 75% स्टेक मैक्सिमम हो सकता है प्रमोटर्स का, रेस्ट 25% स्टेक जो है वो किसका होना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर आनंद फानंद में तो ऐसा है नहीं कि आज 82% का स्टेक कंपनी ओन कर रही है, और देखते ही देखते दो दिनों में जो है वो 40% से नीचे आ जाएगी, जो कि RBI के क्राइटेरिया थे। इसमें अभी वक्त लगेगा, और अब ये देखना है कि उस वक्त में ये स्टॉक किस तरह से ट्रेड और बिहेव करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको सेंटिमेंट कल नेगेटिव लगे और 530 के नीचे की क्लोजिंग अगर आपको दिखाई दे तो आपको निकलना चाहिए। आपको वापस IPO के प्राइस में भी ये स्टॉक मिल सकता है, जो कि तकरीबन 450 की रेंज में आई थिंक मिलने चाहिए, लमसम 450, जैसा मैंने आपको बताया 450 की रेंज में आ सकता है, जो कि इसका IPO का प्राइस है। सो फ्रेंड्स, ये बंधन बैंक के बारे में आपको मैंने ब्रीफ में बता दिया, आपको मैंने लेबल्स बता दिया। अगर 530 का लेबल टूट गया तो फिर आपको बंधन बैंक 450 की रेंज में ज़रूर मिलेगा आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीने में। डिसीज़न आपका है, पैसा आपका है, निवेश आपका है, लेकिन चूंकि हमने बीड़ा उठाया है आपकी मदद करने का, आपको सही लेवल्स बताने का, तो हमने आज आपके साथ बंधन बैंक के बारे में क्या इशू थे, बाकी तो डिटेल में तो देखिए कितना बड़ा वीडियो बना दे, इशू बता दिए मैंने आपको और लेवल्स बता दिए।